वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माय सेल्फ पूर्णिमा। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ जीआरएमसी ग्वालियर स्टाफ नर्स जॉब नोटिफिकेशन 2021 के बारे में। जीआरएमसी यानी कि गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश की तरफ से वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें स्टाफ नर्स की 354 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। इसमें जीएनएम और बीएससी नर्सिंग के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें स्टाफ नर्स फीमेल्स की बात करें तो 120 सीट्स हैं। इसके अलावा संविदा के लिए 30 सीट्स हैं, मीन्स टोटल 150 सीट्स रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा बात करें एक्स सर्विस मैन के लिए तो स्टाफ नर्स फीमेल्स के लिए 157 सीट्स और संविदा के लिए 47 सीट्स रिजर्व किए गए हैं, मीन्स टोटल 204 सीट्स रिजर्व किए गए हैं एक्स सर्विस मैन के लिए। मीन्स टोटल मिलाकर 354 सीट्स जो हैं वो वैकेंसी जो हैं वो निकाली गई हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो जो भी कैंडिडेट हैं वो 12th पास्ड आउट होने चाहिए बायो और केमिस्ट्री और फिजिक्स में। इसके अलावा जीएनएम या बीएससी होने चाहिए और जो भी मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन उनका होना चाहिए। बात करें अगर पे स्केल की तो जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है 3 मंथ के लिए आपको ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। उस टाइम पे आपको 10,000 पर मंथ दिया जाएगा। 3 मंथ के बाद आपका टेस्ट होगा, मीन्स एग्जाम लिया जाएगा। एग्जाम में क्वालिफाइंग मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी पोस्ट आपको मिलेगा उसमें आपको 3 ईयर्स तक प्रोविजन पीरियड में रखा जाएगा। तो जो भी पोस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग जितना भी पेमेंट बनेगा उसका फर्स्ट ईयर में 70% आपको दिया जाएगा, सेकंड ईयर में 80% और थर्ड ईयर में 90% स्टेफन के रूप में आपको दिया जाएगा। जैसे ही आपका प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होता है उसके बाद आपको पेमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। जितना भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपका पे स्केल रहेगा, मीन्स 28,700 से लेकर 91,300 पर मंथ तक आपको पेमेंट मिलेगा। बात करें अगर आवेदन शुल्क की तो जो भी जनरल कैटेगरी है उनके लिए 500 रुपीज़ है। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपीज़ है। इसके अलावा बात करें ओबीसी के लिए तो 250 रुपीज़ है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 इयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बात करें किस हिसाब से सिलेक्शन प्रोसीजर है इसका, तो जो भी मेरिट लिस्ट बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जो भी बनेगा वो 12th बेस पे होगा, बीएससी और नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग आपने किया है उसके बेस पे होगा, और जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में उसके बेस पे आपका जो भी मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। तो जो भी अप्लाई का डेट है वो स्टार्टिंग डेट था 16th of March, मीन 16th of March से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है वो 30th of March है। अप्लाई करने के लिए आपको एमपी की ऑनलाइन वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है, अपलोड करना है। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे वो आपको फॉलो करने हैं। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।